सो वेलकम टू योर ऑन चैनल मेडिको स्वामी। जैसा कि हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और अपडेट। आप चपरासी बनने के लायक नहीं हो, ग्वालियर हाईकोर्ट ने कहा MPMSU परीक्षा नियंत्रक से। इसका वीडियो भी हम डालेंगे, तो प्लीज एंड तक ये वीडियो को पूरा देखें। क्या है मामला बताते हैं सारा। मध्य प्रदेश आरोग्य विश्वविद्यालय जबलपुर के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर सचिन कुचिया को फटकार लगाते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने कहा है कि आप चपरासी बनने के लायक नहीं हो। किसने परीक्षा नियंत्रक बना दिया है, लोगों को मारने वाला बुचड़ खाना चला रहे हो क्या? सो ये हम नहीं कहते, ये कहती है गूगल की न्यूज़। MPMSU कुलपति का शपथ पत्र पेश करे हाईकोर्ट का आदेश। कोर्ट ने आदेश दिया है कि अगली सुनवाई पर यूनिवर्सिटी के कुलपति का शपथ पत्र पेश करे। 19 सितंबर 2022 की टाइम टेबल की अधिसूचना निकालने के क्या आधार हैं? याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति रोहित आर्य और न्यायमूर्ति सत्येंद्र कुशवाहा सिंह ने की। इस मामले में अगली सुनवाई 16 जनवरी को संभावित है। उच्च न्यायालय में भिंड के रहने वाले हरिओम द्वारा प्रस्तुत की गई याचिका पर सुनवाई चल रही थी। MP न्यूज। जिन स्टूडेंट का नामांकन नहीं हुआ उन्हें परीक्षा में बैठाने की तैयारी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता उमेश कुमार बोहरे ने तर्क किया है कि मेडिकल विश्वविद्यालय में ऐसे विद्यार्थियों की परीक्षा कराने जा रहे हैं जिनका न नामांकन हुआ है और न ही कॉलेजों को संबंधता है। परीक्षा कराने को लेकर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। नर्सिंग कॉलेज ऐसे विद्यार्थियों को नर्सिंग की डिग्री दे रहा है जिन्हें अनुभव नहीं। MPMSU टाइम टेबल की अधिसूचना पर हाईकोर्ट की रोक। 7 सितंबर 2022 को कोर्ट ने 19 सितंबर को जारी टाइम टेबल की अधिसूचना पर रोक लगा दी थी जिन पर विद्यार्थियों की परीक्षाएं हो चुकी है उनकी उत्तर पुस्तिका लिफाफे में सील बंद करने का आदेश देते हुए विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रण को तलब किया था। बुधवार को परीक्षा नियंत्रण हाईकोर्ट में उसमें उपस्थित हुए और कोर्ट ने जमकर लताड़ा। तो ये था पूरा मामला कि कोर्ट ने कहा है कि आपको एग्जाम कंट्रोलर कैसे बना दे। बट आई नो हमारे जस्टिस जो है उन्हें सब कुछ पता होता है, बट शायद उन्हें ये इन्फॉर्मेशन नहीं हो कि डॉक्टर सचिन कुचला सर जो हैं वो रिसेंटली बने हुए हैं एग्जाम कंट्रोलर। इनके पहले कई सारी बड़ी भसड़ जो पहले के लोग रहे हैं वो मचा करके गए हैं और वो लोग इतना सब कुछ फैला के गए हैं कि इन्हें समेटने में शायद 1-2 साल लगे। सो अब देखिए आप कोर्ट की वीडियो कैसे फटकार लगाई कोर्ट ने हमारे आदरणीय वाइस चांसलर और एग्जाम कंट्रोलर सर को। Yeah.
चल रही थी साहब, हमने दी थी ऊपर कमीशन, देखा नहीं है, सब नहीं किया, यहाँ तो खाई नहीं। एमबीबीएस पास होकर डॉक्टर बना होगा, नहीं किया, रिकॉग्नाइज नहीं किया, इनका नाम कॉलेज में नहीं है।